ए जहर ले लो, ए गुटका खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटका, एक महीना में कैंसर। जनाब कि सचिन भाई का दिल दरिया है और इनकी गर्लफ्रेंड करिया है। भाई बताइए ऋतिक भाई, आप इस मंजिल पे पहुंचने के लिए कितना सालों से लगता है मेहनत कर रहे हैं? मैं इस मंजिल पे पहुंचने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहा हूं। सैया लईका नियन सूत जाला कोरा में भग देला बोरा में। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, किसी एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी बज रहा है सुबह का 8 और हम आज जा रहे हैं एक बहुत बड़ा कॉमेडी मैन से मिलने, यानी कि यूट्यूबर से, और इसी बाइक से हम लोग जा रहे हैं मिलने, एक यूट्यूबर से जा रहे हैं हम आज मिलने। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी बज रहा है सुबह का 8। ये रहा मेरा कुछ दोस्त, हम लोग जा रहे हैं एक यूट्यूबर से मिलने इस बाइक से, यानी मेरी बाइक। गाइस अभी हम आ चुके हैं सिवान स्टेशन, अब हम यहाँ से चलते हैं ट्रेन पकड़ के। मेरी ट्रेन आ चुकी है, मेरी ट्रेन, और हम जाएंगे इसी ट्रेन से। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, ये रहा मेरा सीट, और जा रहे हैं, ट्रेन खुल चुकी है। गाइस ये रहा ऋतिक जैसवान का गांव का स्टेशन। ऋतिक जैसवाल मस्ट पॉपुलर कॉमेडियन है, एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है। अभी वो आ रहे हैं हम लोग के लेने कुछ ही देर में, ऋतिक जैसवाल, तब तक हम लोग स्टेशन में बैठते हैं। तो गाइस आ चुके हैं ऋतिक जैसवाल के पास, ये रही है ऋतिक जैसवाल, इन्हीं के यहीं स्टूडियो है इनके पास। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, सॉरी भाई की यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज भाई बहुत दूर से आए मिलने के लिए, और भाई बहुत अच्छे आदमी है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए थोड़ा। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, सॉरी भाई की यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज भाई आए हुए हैं बहुत दूर से मिलने के लिए, तो भाई कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं कहूँगा। तो बताइए, आपसे मिलकर बहुत मुझे अच्छा लगा, आप इतना टाइम देने के लिए मेरे लिए, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना दूर से चल के आए मिलने के लिए अपने पैरों पर, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। बताइए क्या जानना चाहते हैं? तो बताइए ऋतिक भाई, आप इस मंजिल पे पहुंचने के लिए कितना सालों से लगता है मेहनत कर रहे हैं? मैं इस मंजिल पे पहुंचने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहा हूं। सांस में बचा। तो गाइस ये भाई का हिलने का जो स्टाइल है बहुत खतरनाक है, तो भाई ऐसे हिल हिल के बात कर रहे हैं। तो आप बताइए कुछ कहना चाहते हैं? आपका जो डायलॉग है ना, मोस्ट पॉपुलर है, उसका जो डायलॉग है अभी अच्छा लगता है लोगों का, और हमारे YouTube फैमिली के लिए एक शानदार सा डायलॉग मार दीजिए। तो गाइस मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत ज़्यादा गुटका वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो पहले मैं उसको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ और सुनाना चाहता हूँ। ए जहर ले लो, ए गुटका खा के मरो, ये बाबा राम रहीम का गुटका, एक महीना में कैंसर। है भाई कोई घर का नशेड़ी गजेड़ी जो गुटका खा के मरना चाहता है? चलिए भाई चलिए, हाथ उठाइए। किसी की भी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया हो, कहीं नहीं जाने का, मरने का शौक है तो मेरे पास आने का। चलिए भाई कोई हाथ उठाइए, कोई है घर का नशेड़ी गजेड़ी? चलो भाई हाथ उठा दो, भाई जर्दा उठा ले उधर। तो वो डायलॉग ऐसे था कि ये जहर ले लो, ये गुटका खा के मरो,
ये बाबा राम रहीम का गुटका, एक महीना में कैंसर, दो महीना मौत। किसी की भी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया हो तो कहीं नहीं जाने का, मरने का शौक तो मेरे पास आने का। मेरे भाई के लिए कि चेहरा तुम्हारा चांद जैसा, आंखें तुम्हारी दरिया जैसी, कि चेहरा तुम्हारा चांद जैसा, आंखें तुम्हारी दरिया जैसी, और भाई की गर्लफ्रेंड मेकअप करते ही लगती है बंदरिया जैसी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मैं पुनीत कुमार सुपरस्टार। तो बताइए ऋतिक भाई, इतना पब्लिक में आप इतना एक्शन कहाँ से कर लेते हैं? तो बात ऐसा है भाई कि मैं कर लेता हूँ जैसे आपके सामने कर रहा हूँ। तो आई होप आप वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सिडी करके सब्सक्राइब कर दो। और भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, और आप लोग प्लीज़ ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। सैया लईका नियन सूत जाला कोरा में, भग देला बोरा में। जनाब कि सचिन भाई का दिल दरिया है और इनकी गर्लफ्रेंड करिया है। ये मैं पुनीत कुमार सुपरस्टार, मैं बताना चाहता हूँ कि आज मौत का खेल दिखाना चाहता हूँ कि ये अलग अलग अलग। आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।